हाय एवरीवन, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ोटो में किस तरीके से आप सॉन्ग डाल सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ फ़ोटो को इकट्ठा करके हम किस तरीके से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विथ म्यूज़िक। जी हाँ, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पर आपको आसानी से ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है, तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मेक वीडियो एंड माय वीडियो। सबसे पहले आपको जो करना क्या है जान लीजिए। यहाँ पर आपको वीडियो क्रिएट करना है तो मेक वीडियो पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके स्टोरेज या फिर गैलरी में रहेंगी। यहाँ पर मेरी गैलरी में इतनी फ़ोटो हैं तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो सिंपली से आपको यहाँ से फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं कुछ इमेजेस को चूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ से मैंने 3 इमेजेस चूज़ कर ली हैं। अब ऊपर की तरफ में आपको नेक्स्ट का बटन मिल रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हर इमेजेस के नीचे पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा। अब चलिए जान लेते हैं इससे क्या होता है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, उस पर क्लिक करने से ये होगा कि यहाँ से आप फ़ोटो एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपकी फ़ोटो बड़ी साइज की है तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं, और क्रॉप करने के बाद ऊपर में आपको क्रॉप का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही दोस्तों, आपको जितनी फ़ोटो एडिट करना आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मेरी फ़ोटो एडिट हो चुकी हैं तो यहाँ पर मैं ऊपर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइप का आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपका जो इफ़ेक्ट है उसे आपको जो है चेंज करना है तो यहाँ पर आपको फ्री में काफ़ी सारे इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे ये वाला इफ़ेक्ट पसंद आया तो यहाँ पर मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ, या फिर आप अपने हिसाब से इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की दोस्तों हम बात कर लें तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फ़िल्टर का। चलिए हम यहाँ पर भी क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, फ़िल्टर से होगा क्या कि आपकी फ़ोटो में तरह तरह के कलर जो है आने लगेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट वाले पर क्लिक किया तो जो ब्लैक एंड वाइट में हमारी पूरी फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो चलिए अभी मैं इसे नन रहने देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन की दोस्तों हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है म्यूज़िक का। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट डिफ़ॉल्ट का एंड सेकंड है स्टोरेज का। यदि आपकी स्टोरेज में जो भी म्यूजिक होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ स्टोरेज पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है म्यूजिक देखने को मिल जाएंगे। यदि आप म्यूजिक को ऐड करना चाहते हैं तो म्यूजिक पर आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए यहाँ पर मैं किसी भी एक म्यूजिक पर क्लिक करके इसे लगा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर यूज़ करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यदि आप सॉन्ग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा यूज़ दिस सॉन्ग, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो वो सॉन्ग आपके इस वीडियो में ऐड हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात कर लें तो यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है फ्रेम का। चलिए हम यहां पर भी क्लिक कर देते हैं।
दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फ्री में काफ़ी सारे जो है फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना बिल्कुल आसान है। जिस भी फ्रेम को आपको यूज़ करना है, सिंपली से उस पर आपको टैप करना होगा और वो फ्रेम आपके इस वीडियो में ऐड हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसे भी नन रहने देते हैं। अब दोस्तों हमारी वीडियो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे गैलरी में सेव करना है, तो क्या करना होगा जान लीजिए। सबसे ऊपर आपको नेक्स्ट का बटन मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने के लिए तैयार हो चुकी है और यहाँ पर आपको लिखा आ गया है कॉन्ग्रेचुलेसन, क्लिक द डन बटन। तो यहाँ पर आपको डन बटन पर क्लिक कर देना है और बस आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। सो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कुछ इस तरीके की वीडियो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और आप चाहो तो इसे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे फ़ोटो में सॉन्ग किस तरीके से डाल सकते हैं या फिर फ़ोटो से वीडियो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी म्यूजिक के साथ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी तो जान सके ना कि फ़ोटो से वीडियो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।